वृद्ध की चाह थी कि बेटा तर्क न कर उसके इंगित किए पथ पर चले, पर बेटे का पथ अपने हृदय की आकांक्षाओं की ओर था। हर बात पर दोनों में मतभेद रहता, अपने अपने राय में दोनों ही सही थे। एक दिन अपने जरा विकंपित गर्दन को प्रयत्न पूर्वक रोकते हुए बूढ़े ने कहा, मूर्ख मुझे उपदेश करता है। जुम्मा जुम्मा 8 दिन, कल ही तो तू पैदा हुआ था। तब मैं तुझे अपने गोद में न लेता तो मांस के एक लोथड़े की तरह गिद्ध तुझसे अपना त्योहार मना लेते। प्राचीनता के प्रति भीतर उमड़ी अवज्ञा की बाढ़ को प्रयत्न पूर्वक रोकते हुए युवा ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी घिसी हुई अक्ल के भरोसे पर चलूं। मुझ में उमंग है, साहस है, मैं अपना पथ स्वयं निर्माण करूंगा। आकाश दोनों की बातें सुन रहा था। उसने अटखेलियां करती अपनी तारिकाओं से कहा, एक के पास अनुभव है और दूसरे के पास उत्साह, पर दोनों ही भटक गए हैं। बूढ़े की आंखों में कल की कला है, पर आज की शक्ति का अनुभव उसे नहीं हो पाता, और युवा देखता है केवल आज की ऊंची अट्टालिका, पर उसकी नींव रखने में कल ने जो श्रम किया था उधर उसकी नज़र नहीं जाती। बूढ़ा और युवक एक दूसरे को घूर रहे थे। आकाश की बातें क्या उन्होंने सुनी?